हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब विल बी 1/4πε0 टाइम्स। सो बच्चों, गिवन है हमें क्वेश्चन में एक ज्योमेट्रिकल शेप जिसको कि मेंशन किया गया है यहाँ पर क्यूब। सो बच्चों, जब हम इस क्यूब को ड्रॉ करेंगे तो इस क्यूब में हमें कितने वर्टाइसेस मिलेंगे? 8 वर्टाइसेस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर वर्टेक्स पर, इट मींस एट 8 ऑफ द वर्टाइसेस, एक एक चार्ज प्लेस्ड है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है हमें क्यू। तो इसके हर वर्टेक्स पर प्लेस्ड है क्यू चार्ज। तो बच्चों, यहाँ कितने चार्जेस हो गए? टोटल 8 चार्जेस। अब इस क्यूब की साइड है, ईच साइड है बी, क्योंकि क्यूब में सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और हमें फाइंड करना है कि इस क्यूब के सेंटर पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4πε0 से कितने टाइम्स होगा। तो बच्चों, यहाँ पर बेसिकली हम जब सिमेट्री चेक करेंगे कि जो भी पॉजिटिव चार्जेस आते हैं हमारे पास, उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं फॉर द कंसर्न पॉइंट, दे फ्लो आउटवर्ड। तो अगर हम इस सेंटर ओ के लिए मान लें, तो यहाँ से हर चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएंगे वो टुवर्ड्स द सेंटर, मींस क्या आ रहे हैं? आउटवर्ड आ रहे हैं। तो हम सिमेट्री ऑफ द फिगर से क्या चेक कर सकते हैं बच्चों, कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे। तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर मिलेगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी 0। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।